वेलकम टू राजेश किचन। आज हम आपको बंगाली फिश करी बना के दिखा रहे हैं। ये हमने 1 किलो फिश ले लिया है, इसको अच्छे से धुल के साफ कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और नमक डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और डेगी पाउडर, डेगी मिर्च, गरम मसाला, सरसों का तेल 1 चम्मच। अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे जिससे ये पूरा मसाला मिल जाए। आप आटे की जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, बेसन नहीं डालना है, इससे क्रंचनेस आएगा फ्राई में। अभी हमारा मसाला अच्छे से मछली पे लग गया है। अब हम इसको 1 घंटे तक ढक के रख देंगे। नहीं, ये करीब 2 घंटे हो गया हमको इसमें मसाला लगा के रखे हैं। अब इसको हम एक एक को फ्राई करेंगे। अब इसको कम से कम 2-3 मिनट हमको एक ही साइड में पकाना है, फिर इसको हम पलट देंगे। देखिए एक साइड हमारा अच्छे से लाल हो गया है, और इसको दूसरे साइड भी पलट के अच्छे से सेक लेंगे। और बड़े ही सावधानी से, मतलब धीरे धीरे इसको पलटना है, एक एक पीस करके, ज़्यादा हमको चलाना नहीं है। ये मछली हमारी दोनों साइड से अच्छे से लाल हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक एक करके। देखिए कितना लाजवाब हमारा फिश फ्राई हो गया है। इसी तरीके से हम अपनी सारी मछली फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने अपनी पूरी फिश फ्राई कर ली है। अब हम ग्रेवी बना के आपको दिखाते हैं। मछली की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए करीब 150 ग्राम सरसों का तेल। ये हमने 2 प्याज मीडियम साइज के ले लिए हैं। उसमें हमने 2 चम्मच सरसों डाल दिया है, काली वाली सरसों, उसको पीस लिया है। और ये है अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट, ये इमली का पल्प है 2 चम्मच हमने निकाल लिया है पल्प भिगो के, नमक, और ये तड़का के लिए पंचफोरन, सूखा लाल मिर्च, तेज पत्ता, और ग्रेवी में जाएगा 1/2 चम्मच लाल मिर्च,
एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर और दो टमाटर हमको प्यूरी बना के उसको भी ले लेना है। ये तेल हमारा अच्छे से लाल हो गया है, हमने तेज पत्ता उसमें डाल दिया है। अब इसमें पंचफोरन भी ऐड कर देंगे और ये सूखी मिर्च भी इसी में डाल देंगे। अब इसमें हम अपना ये प्याज और सरसों का पेस्ट भी ऐड करेंगे। अब इसको हमको अच्छे से लाल करना है। प्याज अब हमारा अच्छे से लाल हो गया है। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट भी डाल देते हैं और इसको भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन निकल जाए। अच्छे से लाल हो गया है। अब हम अपना ये सूखा मसाला, हल्दी, गरम मसाला और मिर्च पाउडर इसको भी ऐड कर देते हैं। इसको हमको अच्छे से भूनना है। देखिए मसाला हमारा भून गया अच्छे से। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल देते हैं। और इसको भी हम अच्छे से भुनेंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आपको रसा पतला रखना है, देखिए कितना भी गाढ़ा है अभी, मछली इसमें रसा सोखेगा भी, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही हम इसमें नमक भी ऐड कर दे रहे हैं। और जो हमने इमली का पल्प निकाल के रखा था उसको भी इसमें डाल देते हैं। अब इसको हमको ढक के पकने देना है। 2 मिनट हो गया है, अब हम इसको खोल के देख रहे हैं। ये अच्छे से पानी खोल रहा है। अब हमको अपने फिश को इसी में ऐड कर देना है। एक एक करके हमको सब फिश इसमें ऐड कर देना है। सारे मछली के पीसेस इसमें डाल के हमको 2 मिनट के लिए एकदम हल्के आंच पे इसको ढक के पकाना है, जिससे कि मछली ये सारी ग्रेवी एकदम अंदर तक सोख ले। अब हमको ढक देना है। अब हमको ढक के इसको एकदम आंच स्लो करके कम से कम 2-3 मिनट तक पकने देना है। 2 मिनट हो गया है, अब हम खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मछली का बन के आया है। अब हम इसको ढक के बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए। खोल के देखते हैं मछली हमारी कैसी बनी है। ये देखिए कितना लहगर फिश करी हमारा बन के आया है सामने। ये देखिए।
ये देखिए, देख रहे हैं आप कितनी गजब की मछली, बिल्कुल लहगर। अब हम आपको इसमें धनिया पत्ती डाल के सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना लहगर हमारी फिश करी बन के तैयार है। आप फिश करी एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो बंगाली फिश करी की, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।